उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म समपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2024 बिल पास हो गया है। यूपी में पहचान छिपाकर लड़कियों को अपने प्यार में फंसाने वालों की अब खैर नहीं होगी। योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद के खेल को फेल करने के लिए पूरा इंतजाम कर लिया है। इस कानून में लव जिहाद की सजा उम्र कैद तक है, यानी योगी सरकार का संदेश साफ है कि अगर यूपी में लड़कियों को धोखे से प्यार में फंसाने की साजिश हुई तो आरोपी अपनी इस गलती के लिए पूरा जीवन पछताएगा। योगी के नए कानून में सिर्फ लव जिहाद पर ही सख्ती नहीं की गई है, बल्कि अवैध धर्मांतरण के नियमों को भी इसमें जोड़ा गया है। इस संशोधित अधिनियम में छल कपट या जबरदस्ती से कराए गए धर्मांतरण के मामले में कानून को पहले से सख्त बनाते हुए अधिकतम आजीवन कारावास या 5,00,000 रुपए के जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया है। किसी महिला को धोखे से जाल में फंसाकर उसका धर्मांतरण करना, उससे अवैध तरीके से शादी करने और उसका उत्पीड़न करने के दोषियों को अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। पहले इसमें अधिकतम 10 साल की कैद का प्रावधान था। वहीं योगी आदित्यनाथ सरकार के लव जिहाद के इस फैसले को लेकर अयोध्या के साधु संतों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। निश्चित रूप से प्रशंसनीय और सराहनीय कदम है। हमारे भारत देश में, विशेष करके उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में, इस तरह की घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं, जिसको रोकने के लिए एक कठिन और कठोर कानून बनाने की आवश्यकता थी, जिसके उपलक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने एक कठोर और कठिन कार्य किया है, जिससे इस व्यवस्था पर रोक लगेगी और जितने भी अतताई हैं इस कठोर कानून से घबरा करके निश्चित रूप से जो धर्मांतरण कराने वाले लोग थे वो बचेंगे इससे। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि पूज्य मुख्यमंत्री जी ने लव जिहाद पर आज एक विधेयक पेश किया है। लव जिहाद पर, क्योंकि बढ़ते हुई लव जिहाद हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनों के लिए एक जीवन जलालत जैसे बनता चला जा रहा है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अलग मजहब, अलग संप्रदाय के कौम के व्यक्ति कलाबा पहनकर छलावा करना, गले में कुछ धारण करके रुद्राक्ष की माला एवं मस्तक पर तिलक लगा लेना और 4 महीना 6 महीना 1 वर्ष के बाद जब कोर्ट पहुंचने पर, जब कोर्ट मैरिज करते हैं, तब पता चलता है कि मुस्लिम कौम से हैं, ईसाई कौम से हैं, तब जाकर समस्या उत्पन्न होती है। और समस्या इतना उत्पन्न हो जाती है कि कहीं कहीं तो बच्ची आत्महत्या कर लेती है। कई स्थिति परिस्थिति यह बन जाता है कि किस प्रकार से उसके साथ कई पुरुषों के साथ गुजारना पड़ता है, तब वो आत्महत्या कर लेती है। कई प्रकरण हम लोगों के पास ऐसे हैं। इसके नाते लव जिहाद पर सख्त कानून बनाने की जरूरत है, तो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने इस पीड़ा को सुनी और बिल पेश किया है उन्होंने, तो इसके नाते कोट कोट साधुवाद, आभार और धन्यवाद। लोकल 18 के लिए अयोध्या से सर्वेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।